रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी के उम्मीदवार उब्राद आखू ने आज शुमाली कश्मीर जिले बारामूला के टंगमर्ग का दौरा किया। दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए उब्राद आखू ने कहा कि हमारी पार्टी को एक बार आजमाइए, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, हम गरीबों के पास जाना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए आखू ने कहा कि मैं अपनी वर्करान पर जोर देते हुए कहता हूं कि वो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को कामयाब करे और घर घर जाकर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की कंप्लेंट चलाने में अपना अहम रोल निभाए। बाद में मीडिया से बात करते हुए जनरल सेक्रेटरी गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी के रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के सज्जाद साहब ने भी मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वीडियो स्टोरी सईद उबैद, जिला बारामूला। इसलिए उतरे हैं सर मैदान में कि हमें खाली गरीबों का काम करना है, गरीबों को देखना है। यहाँ बेरोजगारी बहुत है, नौजवान बैठे हुए हैं, इनके लिए हम मैदान में उतरे हैं। हमारा हाजी साहब इसीलिए उतरा है, इनका काम हमें करना है, हमें गरीबों को देखना है, इसलिए हम यहाँ पे आए। क्या लगता है आपको, आपकी जो पार्टी है, क्या आपको लोग जो है वो इंशाल्लाह हम लोग, मुझे लगता है जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया है लोगों में कम पहचान है, लोग थोड़ा सा बताइए आपके बारे में। हम शुक्रगुजार है सर अपनी पार्टी का और लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और उस पार्टी का जिन्होंने हमें खड़ा किया, हम इनका शुक्रगुजार है। इंशाल्लाह हमारे साथ लोग जुड़ जाएंगे और जुड़े भी हुए हैं, आज तक जुड़ भी जाएंगे। इंशाल्लाह हम ग्राउंड पे काम ठीक ठाक करेंगे हर गरीब के लिए। उन्होंने कुछ नहीं बनाया, इतना कंधे उठाए, फिर हम गरीब है, गरीब का खदमत करेंगे, इसमें मैं उठा फिर भी जल्ला अल्लाह ताला से रजा कर दे क्या बस। मेरा खून हाजिर है गुलमर्ग के लोगों के लिए और टंगमर के लोगों के। क्या करेंगे आप अगर आप जीत के जाएंगे, सब कुछ बेरोजगारी है।